हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर शहनशाह साईं गुलाम शाह उर्फ बाबा लाडी शाह जी की। गुरदास मान जी उनके सबसे प्यारे मुरीद बने। साईं जी ने एक छोटी सी बात में एक ज्ञान दिया कि असल फकीर क्या कर सकता है, जो असली फकीर होगा वो क्या कर सकता है। तो गुरदास मान जी के साथ एक ऐसा वाक्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में ऐसा वाक्या हुआ जिससे ये ज्ञान दे गए साईं जी। जब गुरदास मान जी ने हीर वारिस शाह इश्क का वारिस जब वो मूवी बननी थी, तो उसमें गुरदास मान जी ने हीर के बैंत गाने थे, हीर की लाइनें गानी थी। अब हीर की लाइनें उन्होंने गानी थी, पर जिस दिन वो रिकॉर्डिंग होनी थी, अब गुरदास मान जी को अंदर से ये कहते ना खिंच जो होती है, जो बुलाया जाता है, तो उनका मन किया कि साईं जी को मिल के आए। तो वो सुबह किसी को भी बताए बिना साईं जी के पास चले गए, किसी को भी नहीं बताया। अब वहाँ पे जहाँ रिकॉर्डिंग होनी थी, वो सारे गुस्से में थे कि अब पहले उनकी प्रैक्टिस होनी थी, फिर वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी थी। तो मान साहब बिना बताए ही वहाँ से साईं लाडी शाह सरकार जी के कदमों में, बाबा मुराद शाह जी के दरबार में जाने का उनका प्लान बन गया। तो वह जब वहाँ पहुँचे, बाबा मुराद शाह जी को उन्होंने सलाम सजदा किया गुरदास मान, और फिर साईं जी के पास जब बैठे तो साईं जी बोले, साईं जी को पता था, तो साईं लाडी शाह सरकार बोले कि फकीर वो होता है गुरदास जिसका जो मन करता है वो करे, और जिससे जो चाहे वो करवा ले, वही फकीर होता है। मतलब जो उसके मन में आ गया वो उसने कर लिया, बादशाह, दिल का बादशाह, जो दिल किया वो कर लिया, और जो किसी से दिल किया करवाने का वो करवा लिया, ये फकीर होते हैं। मतलब साईं जी ने उनको एक बात बोल दी कि ये जो बेचैनी थी ये यहाँ आने के लिए थी, हमने ही बुलाया था आपको। और फिर जब वो वापस गए, कहते हैं कि गुरदास मान उन्होंने वो जो हीर थी वारिस शाह की, हीर की लाइनें थी, वो कहते हैं कि उन्होंने बिना पढ़े बिना देखे एक ही बार में, एक ही टेक में वो सारी की सारी हीर रिकॉर्ड कर दी थी उसकी लाइनें। मतलब पीर वारिस शाह जी की भी ऐसी नज़र हो गई थी उन पे, उस साईं जी की भी नज़र हो गई थी। तो जब वो बनी फिर वारिस शाह इश्क का वारिस, तो साईं जी को देख के साईं जी बोले कि किसी फकीर की इतनी बड़ी याद बना देनी, रब तेरे ते कृपा करे। तो ये साईं जी बातों बातों में ये ज्ञान दे गए कि फ़कीर क्या होते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ साईं लाडी शाह जी के असल वाक़यात अच्छे लगते हैं, सुनने में रहमत की झलक पड़ती है, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।